हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला और आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। दोस्तों, हर बार की तरह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए खास एप्लीकेशन लेकर के आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। आप लोग देखते हैं कि हम दिन भर में अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर कई सारी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, या फिर हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर वाईफाई या फिर डाटा ऑन किए हुए रहते हैं या फिर ब्लूटूथ ऑन किए हुए रहते हैं। तो कभी कभी हम ऐसे भी करते हैं कि हमारा जो मोबाइल में ये सारी चीज़ें जो ऑन रहती हैं, हम उनको भूल जाते हैं, ऑफ करना भूल जाते हैं, सो जाते हैं, या फिर हम कहीं मीटिंग में बैठे रहते हैं तो हम इनको ऑफ करना भूल जाते हैं। तो किस तरह से हम इनको टाइमिंग इनके ऊपर सेट कर सकते हैं कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में ये एप्लीकेशन या फिर ये सेटिंग हमारी ऑफ रहे, तो किस तरह से हम ये सब सेट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर जो आपने अभी तक अपना कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को 400 वीडियोज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर एक छोटी सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है एवरी टाइमर। इस एप्लीकेशन को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये हमें यहाँ पर बता रहा है कि किस तरह से हमें इसे यूज करना है, तो हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट करते जाते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पर स्टार्ट इस पर क्लिक करेंगे। हमारी जो एप्लीकेशन है ये पूरी तरह से यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आप लोग ऊपर की ओर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर आता है एप्स, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, मोबाइल डाटा है, वाइब्रेट मोड यहाँ पर है, साउंड मोड यहाँ पर है, म्यूट मोड यहाँ पर है, यानी कि इन सभी को हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। एग्जांपल, अगर जो हमारे मोबाइल, अगर जो हम वाईफाई यूज़ करते हैं, तो हम जैसे कि यहाँ पर वाईफाई पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अगर जो हम जैसे कि घर में अगर जो वाईफाई को यूज़ करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हम सोने का हमारा टाइम रहे तो उस दौरान हमारा जो वाईफाई है अपने आप यहाँ पर ये बंद हो जाए, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर प्लस का आइकन यहाँ पर नज़र आ रहा है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ऑन हम यहाँ पर इसका जो टाइम है वो हम यहाँ पर सेट करेंगे, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद जैसे कि मैं मॉर्निंग में अपना जो वाईफाई है इसको 5:29 पर इसको सेट करना चाहता हूँ, ऑन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सेट कर लूँगा। इसके बाद अगर जो इसका ऑफ का टाइम अगर जो मैं यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको रात के 11 बजे या फिर 11:30 बजे इसको सेट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर ओके इस पर क्लिक करूँगा, और ये सब करने के बाद हमें यहाँ पर ओके इस पर क्लिक कर लेना है। लेकिन अगर जो हम ये चाहते हैं कि ये सेटिंग हमारी पूरी वीक के लिए हो, तो हम यहाँ पर सेटिंग्स इस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर इन सब पर यहाँ पर चेक मार्क कर लेंगे, इनको सब यहाँ पर ओके कर लेंगे। यहाँ पर हम ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो हमारा जो वाईफाई है ये 5:29 पर मॉर्निंग में ऑन हो जाएगा और 11:29 पर ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। इसके लिए हमें यहाँ पर ओके इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हमें कुछ वार्निंग दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर ओके कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें इसे यहाँ पर सेट कर लेना है। इसी तरह से अगर जो हम ब्लूटूथ को अगर जो यहाँ पर सेट करना चाहते हैं, ब्लूटूथ पर अगर जो ये सब करना चाहते हैं, तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पर अपनाएंगे। जो भी हमें यहाँ पर टाइमर देना होगा वो हम यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं, और ये सब करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पर रिपीट अगर जो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम यहाँ पर जिस भी डे को यहाँ पर चाहते हैं वो हम यहाँ पर डे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जब भी ये चाहते हैं तो ये सब यहाँ पर हम अपने आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल इसको कैंसिल कर लेता हूँ। इसी तरह से अगर जो हमें किसी भी एप्लीकेशन पर अगर जो टाइमर सेट करना है, तो हम यहाँ पर ये सेम प्रोसेस यहाँ पर हमारे सामने है, हम यहाँ पर टाइमर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन को हमें लेना है वो एप्लीकेशन हम यहाँ पर ले सकते हैं, जिस भी एप्लीकेशन पर। एग्जाम्पल, जैसे कि हम रात को अगर जो कोई मूवी देखते हैं, तो यहाँ पर हम हमारा जो प्लेयर होगा उस प्लेयर को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसको सेलेक्ट करने के बाद उसकी यहाँ पर जो टाइमिंग है वो हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। और जैसे कि ये टाइमिंग इसका कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर हम इसकी जो डे यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जैसे कि हम इस यहाँ पर ओके प्रेस करते हैं, तो जैसे ही ये सब यहाँ पर रहेगा तो ये अपने आप हमारा ये म्यूजिक प्लेयर है वो यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर सेट किया है, तो ये एप्लीकेशन हमारे सामने यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरह से और भी अगर जो एप्लीकेशन हमें यहाँ पर ऐड करनी है, तो हम यहाँ पर आसानी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे सब के सब हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन या फिर किसी भी
सेटिंग पर अपना टाइमर सेट कर सकते हैं। जिस टाइम पर आप चाहते हैं कि ये ऑन हो वो ऑन हो जाएगा, जिस टाइम पर आप चाहते हैं कि ये ऑफ हो जाए वो ऑफ हो जाएगा। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। वीडियो अगर जो पसंद आती है तो लाइक करके जरूर जाएगा, और अगर जो आपके पास हमारे लिए क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजिएगा। तो कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल के साथ, और सीखते रहिए और देखते रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। थैंक्स।